हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें से हम एक सब टॉपिक देखेंगे जो कि है अप्रोक्सीमेशंस। तो दोस्तों, अगर आप ये वाला वीडियो स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखोगे तो आप आपके सीईटी के एग्जाम में अगर ये अप्रोक्सीमेशंस का सम आता है तो आप इजिली वो 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। तो दोस्तों, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली देखने से पहले पहले हम देखते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन का सम सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है और हम उसे कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, हमें एग्जाम में एक f(x) वाला फंक्शन दिया रहेगा, जिसमें कुछ तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू रहेगा और हमें एग्जाम में बोला रहेगा टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1.2 और वैल्यू ऑफ 0.99 और ऐसे इस तरह से हमें नंबर्स दिए रहेंगे और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो दोस्तों, अगर हमें एग्जाम में इस तरह से अगर हमें फाइंड आउट करने बोला है एफ ऑफ 1.2 का वैल्यू, तो इसमें से ये जो फर्स्ट इंटीजर वाला पार्ट है, तो ये इंटीजर मतलब ये कंप्लीट नंबर वाला पार्ट, तो इसमें से कंप्लीट नंबर है 1, तो इसे हम दोस्तों कंसीडर करेंगे एज ए। तो दोस्तों, इस केस में हमारा ए का वैल्यू बन जाएगा 1 और इस केस में हमारा ये एच का वैल्यू बन जाएगा ये पॉइंट के आगे का नंबर जो कि है 0.2। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये ए और एच का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, सिमिलरली अभी इस केस में क्या होगा, तो 0.99 से नियरेस्ट वाला होल नंबर या फिर इंटीजर कौन सा है, तो 0.99 के नियरेस्ट वाला इंटीजर है 1, तो इस केस में भी हमारा ये ए का वैल्यू बन जाएगा 1। और यहाँ पे ये वैल्यू 1 से कितना छोटा है, तो यहाँ पे 1 से है ये 0.01 से छोटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 से 0.01 से कम है, इसके लिए हमने यहाँ पे पुट किया ये निगेटिव साइन। तो दोस्तों, इस तरह से हम फाइंड करेंगे ए और एच का वैल्यू और हम ये वाले वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है एफ ऑफ ए एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो दोस्तों, अभी हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ये ए का वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, तो जिससे हमें मिलेगा डायरेक्टली ये एफ ऑफ ए का वैल्यू, देन ये एच का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, देन उसके बाद दोस्तों हम ये एफ ऑफ एक्स का फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, जिससे हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, और ये एक्स के बदले हम ये ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा हमारे दिए हुए क्वेश्चन का रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस कंसेप्ट के ऊपर देखते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 9 एट एक्स इज इक्वल टू 1.1 इज हाउ मच, और हमें दिए है ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें ये वाला फंक्शन दिया है, मतलब ये दिया है हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1.1। तो दोस्तों, इस केस में अगर हम ये x को ये a प्लस h वाले फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो वो कैसे होगा, तो इस केस में हमारा ये a का वैल्यू बन जाएगा, मतलब ये इंटीजर का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 और प्लस ये h का वैल्यू क्या आएगा, तो ये पॉइंट के आगे वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमारा ये 0.1 बन जाएगा h का वैल्यू। तो दोस्तों, अभी हमें फॉर्मूला के हिसाब से पहले तो फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ ए का वैल्यू, बट दोस्तों अभी अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस में यहाँ पे ये 8 प्रेजेंट है। तो दोस्तों, अगर आप ये a का वैल्यू जो कि है 1 उसे अगर आप इस f ऑफ x में पुट करोगे तो आपको ये f ऑफ a का वैल्यू मिलने वाला है ये 8, क्योंकि सारे केसेस में हमारा यहाँ पे कंप्लीट नंबर आया है 8, तो ये 1 यहाँ पे पुट करने के बाद हमें ये f ऑफ a मिलने वाला है 8। तो दोस्तों, ये तो अभी हो गया f ऑफ a का वैल्यू, देन अभी ये f ऑफ a के वैल्यू के बाद अभी हमें आगे फॉर्मूला के हिसाब से हमें लगेगा एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू।
तो दोस्तों अभी एफ डैश ऑफ एक्स कैसे आएगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² प्लस ये 5 × x² एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, सो 2x इंटू ये 5 बनेगा यहाँ पे 10x, देन ये -7x का डेरिवेटिव आएगा -7 और ये +9, तो ये 9 है कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो दोस्तों अगर ये है एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, तो अभी हमारा एफ डैश ऑफ ए का, तो हमारे यहाँ पे ए क्या है 1, तो हमारा एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, तो वो आएगा 3 × 1² सो 1 का स्क्वायर होता है 1, सो 3 × 1 बनेगा यहाँ पे 3, देन प्लस 10 × 1 सो 10 × 1 भी बनेगा 10, माइनस यहाँ पे है 7, तो ये 10 + 3 बनेगा 13, 13 - 7 यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू एज 6। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड किया, तो अभी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से पहले आएगा एफ ऑफ ए का वैल्यू जो कि है 8, देन यहाँ पे आएगा प्लस साइन, देन इनटू यहाँ पे आएगा एच का वैल्यू, तो हमारा एच का वैल्यू है 0.1, देन इनटू यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू जो कि हमने फाइंड किया था एज 6। तो दोस्तों अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.1 × 6 बनेगा 0.6, सो 8 + 0.6, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8.6। तो दोस्तों इस फंक्शन का व्हेन एक्स का वैल्यू रहेगा 1.1, तो उस केस में हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 8.6, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x + 5, और हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.99, और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा ये a प्लस h का वैल्यू कैसे आएगा, तो 1.99 का नियरेस्ट वाला इंटीजर कौन सा है, तो इसका नियरेस्ट वाला इंटीजर मतलब कंप्लीट वाला नंबर है 2, और इसमें से अगर हम 0.01 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 - 0.01 मतलब 1.99। तो दोस्तों इस केस में हमारा a का वैल्यू बन जाएगा 2 और हमारा h का वैल्यू बन जाएगा -0.01। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, पहले तो फाइंड करना है हमें f ऑफ a का वैल्यू, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये a को हम यहाँ पे f ऑफ x में पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब आएगा 8 -3 × 2, सो माइनस यहाँ पे आएगा 6 प्लस यहाँ पे है 5, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 6 बनेगा 2, 2 + 5 बनेगा यहाँ पे 7। तो दोस्तों हमारा f ऑफ a का वैल्यू आ गया 7, देन इसके बाद अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो इसके बाद हमें फाइंड करना है f डैश ऑफ x का वैल्यू। तो दोस्तों अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो x क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x², देन -3x का डेरिवेटिव आएगा -3, और ये 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे f डैश ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोस्तों इसमें अभी हम क्या पुट करेंगे, ये a का वैल्यू जो कि है 2, सो 3 × 2² सो 2 का स्क्वायर होता है 4, सो 4 × 3 बनेगा यहाँ पे 12, माइनस यहाँ पे आएगा 3, तो ये आएगा 9। तो दोस्तों अभी हमें बस इन सारे वैल्यूज को अभी हमारे फॉर्मूला में पुट करना है। तो दोस्तों अभी हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू मिला है 7, देन यहाँ पे साइन है प्लस, इंटू हमारा एच का वैल्यू है 0.01, इंटू हमारा ये एफ डैश ए का वैल्यू है 9। तो दोस्तों जल्दी से ये सिंपल सा कैलकुलेशन कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट है। और दोस्तों अभी तक आपको हमारे ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस अगर आपको हेल्पफुल लगे हैं, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, सो दैट आपको ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहे, और जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक मिस ना कर जाए। तो इसीलिए जल्दी से इस लर्नोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। और दोस्तों अगर आपको हमारे आज के इस टॉपिक में या फिर बाकी किसी टॉपिक में अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, तो आप हमें वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप वो क्वेरी हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ या फिर हमारे साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, तो उस टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पास्ट ईयर क्वेश्चन।
देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ -0.99 इज हाउ मच, और हमें दिए हैं ये वाले ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं दिया है। तो दोस्तों ये दिए हुए फंक्शन के हिसाब से हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, मतलब ये कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा अभी फंक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाहर है ये क्यूब रूट का साइन, और उसके अंदर हमें दिया है एक वैल्यू। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज एक्स, मतलब कोई भी एक वैल्यू। तो दोस्तों ये वाला नंबर देख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम ए प्लस एच का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अभी हमारा ए का वैल्यू कैसे आएगा, तो इसका नियरेस्ट वाला नंबर आएगा ए का वैल्यू। तो -0.99 का नियरेस्ट वाला इंटीजर कौन सा है, तो वो है -1, और उसमें हम अगर 0.01 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये -0.99। तो इसके लिए हमारा ए का वैल्यू रहेगा -1, और उसमें से अगर हम ये 0.01 माइनस करेंगे तो हमें ये वाला -0.99 मिल रहा है। इसके लिए हमारा h का वैल्यू रहेगा 0.01। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम ये a को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें अभी यहाँ पे मिलेगा f ऑफ 1 का वैल्यू, मतलब क्यूब रूट ऑफ -1। तो -1 का क्यूब रूट आता है अगेन -1। तो ये हो गया हमारा f ऑफ a का वैल्यू। देन इसके बाद अभी हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू, जिसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू। तो दोस्तों अभी हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो दोस्तों क्यूब रूट ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है एक्स रेस टू 1/3। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स रेस टू 1/3, तो इसका अभी हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव। तो उसके हिसाब से ये जो पावर में वैल्यू है 1/3, जो कि है n का वैल्यू, वो आएगा यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो अगर हमारा n है 1/3 और उसमें से हम माइनस 1 करेंगे, सो 1/3 माइनस 1 बनेगा यहाँ पे -2/3। और इसके बाद ये आगे सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, तो यहाँ पे है ये 1/3, और अगर ये x रेस टू -2/3 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे तो वो बनेगा यहाँ पे x रेस टू +2/3। तो ये -2/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाके बनेगा +2/3। तो दोस्तों ये तो अभी बन गया f डैश ऑफ x का वैल्यू। तो इसका यूज करके अभी हम फाइंड करते हैं f डैश ऑफ a का वैल्यू। तो दोस्तों अभी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे पुट करेंगे a का वैल्यू। तो ये -1 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 इंटू एक्स रेस टू 2। सो एक्स है हमारा -1, देन उसका है यहाँ पे स्क्वायर, और ये अपॉन 3 का मीनिंग क्या होता है, ये अपॉन 3 का मीनिंग होता है क्यूब रूट। सो ये अपॉन 3 को हम यहाँ पे एज क्यूब रूट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो दोस्तों अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 का क्यूब रूट आएगा अगेन 1। तो ये सिंप्लीफाई करके हमें मिला एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू एज 1/3। तो दोस्तों अभी हम ये सारे वैल्यूज हमारे फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से पहले आता है एफ ऑफ ए का वैल्यू, जो कि है -1, देन यहाँ पे आएगा प्लस साइन, और इंटू ये है 1/3। तो 1/3 मतलब होता है 0.333 और ऐसा इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा -0.9967777 ऐसा इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों अभी ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें से ये मैच कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए से, तो इसी के लिए हमारा ये ऑप्शन ए बन जाएगा फाइनल आंसर। तो देखा दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको हमारे फॉर्मूला के हिसाब से एक एक वैल्यू सिंप्लीफाई करते जाने हैं, जिससे आपको मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर ऑफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो दोस्तों इन सम्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनके आंसर्स मैं कल कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दूंगा।
और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करते हैं कि इन प्रैक्टिस सम्स के ऊपर भी एक डिटेल वाला वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एक मंथ के अंदर जल्दी से 1000 लाइक्स तक पहुंचा देते हो तो हम इन प्रैक्टिस सम्स के ऊपर भी एक डिटेल वाला वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे लगता है कि इन प्रैक्टिस सम्स के ऊपर भी एक डिटेल वाला वीडियो आना चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को विद इन अ मंथ 1000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। देन चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सम। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 0.999 इज हाउ मच, और हमें दिए है ये वाले ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें हमारे प्रीवियस सम के तरह एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम इसका यूज करके फाइंड करेंगे हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये बाहर का फंक्शन तो है टैन इनवर्स, और यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है सिर्फ नंबर, तो ये नंबर को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज एक्स, तो हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बनेगा टैन इनवर्स एक्स। देन दोस्तों अभी ये 0.999 का यूज करके अभी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं ए और एच का वैल्यू। तो यहाँ पे 0.999 को हमारा नियरेस्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट वाला इंटीजर या फिर कंप्लीट नंबर है 1, तो हमारा ए का वैल्यू बनेगा 1 और हमारा एच का वैल्यू बनेगा -0.001, क्योंकि अगर हम 1 में इस नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.999। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे अभी ए का वैल्यू आ गया 1, तो जिसका यूज करके हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ ए का वैल्यू। तो एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 1 का वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स में ये ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ 1। तो दोस्तों टैन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है पाई अपॉन 4 रेडियन, मतलब 45 डिग्रीज। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू हमें मिल गया एज पाई बाय 4। देन अभी हम फाइंड करते हैं एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू, तो उसके लिए पहले हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हमारा एफ ऑफ एक्स है टैन इनवर्स एक्स तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 x². तो दोस्तों इसके बाद अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू, तो हमारा ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम एक्स को पुट करेंगे एज 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/1 x², तो 1 का स्क्वायर आता है 1, सो 1+1 बनेगा यहाँ पे अपॉन में 2, तो ये बनेगा 1/2 मतलब 0.5। तो दोस्तों अभी हम ये सारे वैल्यूज को हमारे फॉर्मूला के हिसाब से पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आएगा एफ ऑफ ए का वैल्यू जो कि है पाई अपॉन 4। तो दोस्तों इसको अगर आप हमारे आंसर्स के साथ चेक करेंगे तो इसमें से हमारे इस ए और डी ऑप्शन में यहाँ पे प्रेजेंट है पाई अपॉन 4, तो इसमें से हमारा ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पहले ही हो गया कैंसल आउट। देन इसके बाद अभी हमारे फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आगे आएगा प्लस साइन, देन यहाँ पे आएगा एच का वैल्यू, तो हमारा एच का वैल्यू है -0.01 × यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू जो कि है 0.5। तो दोस्तों अभी अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो पाई अपॉन 4 आएगा एज इट इज, देन यहाँ पे आएगा ये निगेटिव वाला साइन, देन 0.5 × 0.001 का आंसर आएगा 0.000 और यहाँ पे आएगा 5। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे प्रेजेंट है 0.005, तो यहाँ पे 5 के पहले 2 ही 0 है, तो ये ऑप्शन ए भी हो जाएगा कैंसल आउट। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे प्रेजेंट है 0.0005, तो यहाँ पे 5 के पहले यहाँ पे है 3 बार 0 जो कि हमारा फाइनल आंसर, तो इसके लिए ये ऑप्शन डी बनेगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस विच इज अ टॉपिक फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और वो बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशंस दबाना मत भूलिए, सो दैट आपको ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहेंगे। और दोस्तों इन सारे अप्रोक्सीमेशन के सम्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप जल्दी से एक मंथ के अंदर इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचा देते हो तो हम इन प्रैक्टिस सम्स के ऊपर एक डिटेल वाला वीडियो भी जरूर बना देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के
बाकी सारे ट्रिक्स के वीडियोस भी देखने हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वाला वीडियो आपके 12th के बाकी सारे फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को आपके 12th वाले फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।